हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर रिदिम। आया आपको पढ़ाने क्लास 8 फुटप्रिंट्स बुक का चैप्टर नंबर 5 द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोग अभी साथ साथ में लिखते रहिए और मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, गिव वन रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द सेंटिमेंट्स ऑफ द कॉमन पीपल वर हर्ट। सेंटिमेंट्स क्यों हर्ट हो गए थे कॉमन पीपल के, देखते हैं। द फीलिंग ऑफ द कॉमन पीपल वर ग्रेटली हर्ट व्हेन द नेम्स ऑफ मुगल किंग्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइंस मिंटेड बाय द कंपनी एंड व्हेन डलहौसी स्टेटेड दैट द डिसेंडेंट्स ऑफ द मुगल रूलर्स। अब हुआ क्या था, जो हमारे कॉमन पीपल थे इनका दिल बहुत ज्यादा दुखा था। किस वजह से? अब उन लोगों ने अपना राजा मान रखा था मुगल एम्प्रेस को, भले ही वो उस टाइम बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, उनके पास इतना ज़्यादा शासन नहीं था, लेकिन फिर भी उनका था कि हमें मुगल एम्परर रूल्स कर रहे हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको हटा दिया पद से। तो अब आप सोचो कि अगर आपको कोई आपको कोई रूल कर रहा है, आपको पसंद है, और वो उसको हटा के कोई किसी बुरे को लेके आया जाए, तो आपको तो दुख हो गई ना। हाँ, तो बस वैसे ही उनको भी दुख हुआ। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो उनके कॉइन्स थे ना, पहले तो जो राजा होता था उसका फोटो होती थी उनपे, है ना। तो हमें पता चलता था कि ये राजा था उस टाइम पे, देखो फोटो है ये उसकी, है ना। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, उन रूलर्स के हटा के उन लोगों ने, जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी ना, उनकी फोटो वहां पर लगवा दी। और फिर जो डलहौसी था, जानते आप सब लोग उसको, उसने जो डिसेंडेंट्स थे मुगल रूलर्स को, है ना, उनको उसने कैदी बना के रख दिया था। नेक्स्ट है, द इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट वॉन्ट टू सर्व ओवरसीज। जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, ये जैसे कि पहले बोलते हैं सात समुंदर पार, है ना, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज को बोलते थे कि सात समुंदर पार करके हम लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो फिर वैसे यहाँ सर्व ओवरसीज बोल रखा है कि वो लोग, जैसे कि उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला था कि अब कुछ इंडियंस को हमारे साथ यूरोप में चलना होगा, है ना। तो फिर अब हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो क्यों वहाँ नहीं जाना चाहते थे, तो अब इंडियन यहाँ पर स्टार्टिंग से करते हैं, द इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट want to serve overseas because they believed that if they cross the sea they would lose their religion and caste। अब पहले के लोग जो थे ना, वो अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते थे। जैसे कि हमने पगड़ी लगानी है, जो सिख पीपल होते थे वो सोचते अगर हमने पगड़ी लगानी तो लगानी ही लगानी है, हिंदू ने तिलक लगाना ही लगाना है। तो फिर अब उन लोगों को लगा था कि जब हम लोग यूरोप में जाएंगे तो ये लोग तो हमें हमारे रिलीजन फॉलो करने नहीं देंगे, और हो सकता है कि हम लोग अपने रिलीजन को भूल जाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम अपनी कास्ट भी बदलना नहीं चाहते। क्योंकि पहले वो लोग फोर्स करते थे कि आपकी चाहे जो भी कास्ट हो, आपको उसको चेंज करके क्रिश्चियनिटी, है ना, क्रिश्चियन बनना होगा। तो इससे सारे इंडियन सोल्जर्स डरते थे। आगे, द रेबल मेड बहादुर शाह टू देयर लीडर। अब जो बहादुर शाह टू था, उसको रेबल में लीडर क्यों बनाया गया? द रेबल मेड बहादुर शाह टू द लीडर बिकॉज एट दैट टाइम बहादुर शाह टू वॉज नोन एज द किंग ऑफ इंडिया एंड एवरी वन रिस्पेक्टेड हिम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे बहादुर शाह जो टू थे वही इंडिया के रूलर माने जाते थे और सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज देयर आर्मी पोस्ट। अब जब रिवॉल्ट खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने जो उनकी आर्मी की पोस्ट थी उसको रीऑर्गेनाइज किया क्यों? 1857 में एज इंडियन सीपोज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट द इंडियन आर्मी वॉज न्यू नाउ थॉरली रीऑर्गेनाइज। अब देखिए, अगर आप लोगों ने एक सेना बना रखी है और उसमें से कुछ लोग लड़ाई करने लग गए, तो आप लोग उनको रखोगे अपनी सेना में? नहीं रखोगे, नहीं रखना चाहोगे ना। हाँ, तो बस ब्रिटिशर्स ने भी यही किया। अब उनको लगा कि जो इंडियंस हैं, अगर हमने ज़्यादा रखा इनको अपनी सेना में, ज़्यादा नंबर में रखा, तो हो सकता है कि ये लोग हमारे खिलाफ एक और रिवॉल्ट स्टार्ट करते, जब हमारे पास ही ज़्यादा सेना ना हो, फिर हम लोग फंस सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे सेना में बढ़ा दिए और जो इंडियंस थे वो घटा दिए। आगे, द लैंड
एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वर्क कन्फिस्केटेड, बल्कि उनके जो लैंड और प्रॉपर्टी थी उसको छीन भी लिया गया। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द मुस्लिम्स हैड सपोर्टेड द रिवॉल्ट, देयर फॉर देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी वॉज कन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि सब कि जो मुस्लिम थे इन्होंने तो बहुत साथ दिया इंडियंस का, तो हम लोगों को भी एक कदम उठाना चाहिए, हम लोग इनकी सारी जमीन लूट लेंगे ताकि अगली बार से इनकी हिम्मत ही ना हो इंडियंस का साथ देने की। कितने शैतान थे, देखो छप्पड़ पड़ना चाहिए इनको। तो आगे, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस, हमें वन सेंटेंस में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। विच टू इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स, नेम देम। कौन से दो इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने अपने रॉयल टाइटल खो दिया। रॉयल टाइटल से इसका मतलब ये है कि बल्कि उन्होंने अपनी पोस्ट खो दी, उनको अब ज़्यादा ऐसे भगवानों की तरह ट्रीट नहीं करना बंद कर दिया गया और उनको बस एक नॉर्मल सा इंसान मानना स्टार्ट कर दिया गया। कौन कौन से थे? बहादुर शाह टू एंड नाना साहेब आर दी टू इंडियन रूलर्स हु लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स। अगर हम चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, आके आपके फायदा है मेरे को क्या। आगे है, नेम द टू ब्रिटिश पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन दैट हर्ट इंडियन रूलर्स द मोस्ट। ऐसी कौन सी दो ब्रिटिश की पॉलिटिकल पॉलिसीज थी जिन्होंने एक्सपेंशन किया ब्रिटिश का और हर्ट किया बहुत ज्यादा इंडियन रूलर्स को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडियरी अलाइंस आर द टू पॉलिसीज ऑफ द एक्सपेंशन दैट हर्ट इंडियन रूलर्स द मोस्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी देखी थी हमने सेकेंड चैप्टर में हिस्ट्री के, और हमने जो हमारा यहाँ पर सब्सिडरी अलाइंस है ये भी देखी थी। तो आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन यू। आगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडियंस वर सोशली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द ब्रिटिश। अब हमें ये स्टेट करना है कि कैसे ब्रिटिशर से इंडियन लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाता था, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको ऊंचा माना जाता था और जो इंडियंस थे उनको नीचा नीची जाति का माना जाता था। क्यों? द ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेट हाउ है ना, द ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज एज बारबेरियंस। बारबेरियंस मतलब कि जिनको वो लोग कुछ मानते नहीं थे, ऐवें ही रखते थे, है ना। एंड मुस्लिम एज क्रूअल एंड इनटॉलरेंट, और मुस्लिमों को वो क्रूअल मतलब कि शैतान और इनटॉलरेंट, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वैसा मानते थे। इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडियंस वर सोशली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द ब्रिटिश। इसी बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे। विच रूमर्स पार्क ऑफ दी रेबल, किस रूमर ने, किस रूमर क्या कहते हैं हम लोग उसको, अफवाह ने इस रिवॉल्ट का कारण, कौन सी अफवाह बनी? रूमर वॉज स्प्रेड इन द सीपोस कैंप्स दैट द ग्रीस कंटेन्ड फैट फ्रॉम पिग्स एंड काउज, मुस्लिम एंड इंडियंस हैड सेक दैट दे कांट ईट फ्लैश ऑफ पिग एंड काउज। अब अफवाह ये फैली थी कि जो अब मैं आपको ये पहले नहीं समझा, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि हुआ क्या था। पहले के ज़माने में जो ऐसे तगड़ी तगड़ी गन्स आई थी उस टाइम की, तो वहाँ क्या करना पड़ता था, जो गन जो उसकी बुलेट्स होती थी ना, बुलेट्स को गन के अंदर डालने से पहले उसके ऊपर एक कवर होता था, उसको छीलना पड़ता था। तो एक अफवाह फैल गई उस टाइम पे कि जो नई बुलेट्स आई हैं है ना, उनका जो छिलका है वो काउज की, हमारी गायें और पिग सुअर के खाल से बनी हुई है। अब जो मुस्लिम लोग थे वो पिग की खाल को नहीं कर सकते थे, और जो हिंदूज थे वो गाय की खाल को छू नहीं सकते, क्योंकि गाय तो हमारी माता मानी जाती है इंडियन सोसाइटी में। इसी वजह से कि उनका डिस्क्रिमिनेशन किया गया, इसी वजह से इंडियंस ने रिवोल्ट छोड़ दिया कि तुमने हमें डिस्क्रिमिनेट किया, तुम लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि हम लोग हमारा रिलीजन को हम छोड़ सकें, तुम लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है। इस बात पर ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आ गया, फ्रॉम वेयर एंड वेन डिड द रिवॉल्ट स्टार्ट, ये रिवॉल्ट कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ। द रिवॉल्ट स्टार्टेड एट बरकपुर ऑन 29 मार्च 1857। इस डेट को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपके एग्जाम में पक्का ही आएगी।
कौन से डेट को हुआ था? 29 मार्च 1857 इन बरकपुर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में हमारी, इस वीडियो के पार्ट टू में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपको यही चैप्टर चाहिए तो मैंने पीछे प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।